हे दोस्तों, कोरोना वायरस से सभी परेशान हैं कि अब क्या होगा, हमें अब क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी निगेटिव बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं। यह वीडियो बिल्कुल भी गाइड नहीं है कोरोना वायरस से बचाने के लिए या फिर आपको क्या करना चाहिए। इनफैक्ट आपको ऑफिशियल अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और गवर्नमेंट सोर्सेज से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि यह वीडियो इस बारे में है कि आप इस सिचुएशन को मेंटली कैसे हैंडल कर सकते हैं और हम लोग इस सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा दो तरह के लोगों का, इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह का इंसान बनना चाहिए। पहले इंसान का नाम है राम। वह हर रोज़ न्यूज़ सुनता रहता है कोरोना वायरस के बारे में। वह हर चीज़ सोशल मीडिया पर ढूंढ ढूंढ के शेयर करता है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। वह कोरोना वायरस से इतना डर गया है कि हमेशा स्ट्रेस में रहता है। वह हर समय डरा हुआ रहता है, यहाँ तक कि उसको छींक भी आती है या खांसी आ जाती है तो उसको यही डर बना रहता है कि कहीं उसको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। वह हर दूसरे इंसान को शक की नज़र से देखता है। वहीं दूसरे इंसान का नाम है श्याम। वह न्यूज़ देखता रहता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल से पता किया है कि उसको क्या करना चाहिए। वह पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाता, वह अपने हाथों को सैनिटाइज करता है और वह सारे प्रिकॉशंस ले रहा है जो उसको लेने चाहिए और वो ज़्यादा डरा हुआ नहीं है। ऐसे में राम को कहा जाएगा कि वह रिएक्टिव इंसान है और श्याम को कहा जाएगा कि वह प्रोएक्टिव इंसान है। इस तरह की सिचुएशन में चाहे बहुत बुरा हादसा हो गया हो या इकोनॉमी दिक्कत में आ गई हो या इस तरह से कोई बीमारी फैल रही हो, तो आपको श्याम की तरह प्रोएक्टिव इंसान बनना चाहिए। प्रोएक्टिव इंसान बनने का क्या मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। आपका एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, यह वह सारी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको फिक्र होती है, जिनके बारे में आप सोचते हैं। यह आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके फैमिलीज की हेल्थ, कंट्री की इकोनॉमी या पॉलिटिक्स, आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, ये बहुत सारी बातें। और हाँ, आजकल कोरोना वायरस इसी सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर छुपा होता है। आपका छोटा सा सर्कल जो होता है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यह वो सारी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका हेल्थ, आपकी बिजनेस, यह सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपका सारा फोकस अटेंशन उन चीज़ों पर लगा देते हैं जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है। अब जैसे कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही ध्यान रख सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रखें खुद को और अपने फैमिलीज को सेफ रख सकते हैं। कोरोना वायरस के बारे में हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाएगा और उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऑथर बताते हैं, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा छोटा होता जाता है अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जिन पर आप डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं, तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस साइज में अपने आप बड़ा होता जाता है। अब आप सोचते होंगे कि इसका कोरोना वायरस से क्या लेना देना। देखिए, अब मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस डेंजर नहीं है, यह डेंजरस है और हम लोगों को उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कॉशियस होने में और बहुत ज़्यादा डर जाने में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक सोल्जर का जो वॉर पर जा रहा है। वो वॉर पर जा रहा है अपने देश के लिए लड़ने के लिए। उसको पता है कि वो डेंजर में है, उसके आसपास खतरा है। उसको ये भी पता है कि उसके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, उसकी जान दाव पर है। लेकिन वो कभी डरते नहीं हैं। उनको पता होता है कि वो लोग गलतियां कर देंगे अगर वो डर जाएंगे तो, और अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कॉशियस रहते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं और वो हर चीज़ करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। किसी भी सिचुएशन में वह बहुत ज़्यादा डर नहीं जाते हैं और अपने डर को हमेशा काबू में रखते हैं, तभी वो अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। इसका हमारे लाइफ से यह मतलब है कि आपको वो सारे प्रिकॉशन लेने होंगे कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए। हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इतना डर जाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आप दिन रात यही सोच इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या होगा, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें।
इस समय बहुत ज़्यादा लोग रिएक्टिव हो रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस तरह की बीमारी हमेशा आती रहती हैं, कभी कम आती हैं तो कभी ज़्यादा आती हैं। आपको यह सोचना होगा कि आप कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वह सारी चीज़ें करनी है जो कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। आपको जैसे अच्छी आदतें होना, 7 से 9 घंटे सोना, अच्छे खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, आपके स्ट्रेस को मैनेज करना, मेडिटेशन करना, अपने हॉबीज़ को डेवलप करना और इम्प्रूव करना, यह सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी और आपको हेल्दी रखेंगी। सोशल मीडिया पर हमेशा मिसगाइडिंग न्यूज़ स्प्रेड होते रहते हैं। आपको इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोग आपका एडवांटेज लेते हैं और उनको पता होता है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं और डरे हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे और प्रिकॉशंस लेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं, तभी आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम कर रहे हैं और यही एक बेस्ट चीज़ है जो हम अपने लिए कर सकते हैं। और हाँ, यह चीज़ हम लोगों को यह भी याद दिलाती है कि क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों को अपने ऊपर मेहनत करने की। हम लोग इस तरह की बुक्स क्यों पढ़ना पसंद करते हैं, इस तरह के वीडियोस क्यों देखते हैं, क्योंकि यह सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हमें यह बताती हैं कि क्राइसिस में भी हम कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं और प्रोएक्टिव रह सकते हैं। नॉर्मली जब भी कोई क्राइसिस आती है तब लोग रिएक्टिव हो जाते हैं और अपने इमोशंस में खो जाते हैं और वो लोग सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं तो आप अपने हेल्थ को, वेल्थ को, माइंड को इम्प्रूव करते रहते हैं और अपने अंदर आदत बना लेते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। आपके अंदर विजडम आ जाता है, आपको यह बात समझ में आ जाती है कि आप ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस तरह के समय में आप अपने कम्युनिटी, फैमिली के लिए लीडर बन सकते हैं, लेकिन इसका यही मतलब होता है कि आपको लॉन्ग टर्म अपने ऊपर, हेल्थ पर लगातार काम करते रहना चाहिए। तो एक बार फिर यह बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपको यह डिफरेंस याद रखना चाहिए कॉशियस रहने में और बहुत ज़्यादा डर जाने में। आपको ऑफिशियल सोर्सेज से समझना चाहिए कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना चाहिए। आपको कॉशियस और प्रोएक्टिव बनना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।